आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। उम्मीद करती हूं आपको मेरा लिखना और मुझे सुनना पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर भेजते रहिएगा। तो आज मैं सुनाने जा रही हूं मेरी लिखी कविता, ओ मेरी मधुमालती। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया, कैसे बताऊं तुम्हारी खुशबू का कितना इंतजार किया। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है, कैसे बताऊं तुम्हारी खुशबू का कितना इंतजार किया है। हल्की बारिश थोड़ी धूप में तुम्हारा मदमस्त लहराना, हल्की बारिश थोड़ी धूप में तुम्हारा मदमस्त लहराना, बिल्कुल किसी नई दुल्हन की तरह तुम्हारा शर्माना। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है। भंवरे रंग बिरंगी चिड़िया तितलियों के साथ इठलाना, मेरे घर को तुम्हारा इतना खूबसूरत बनाना। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है। मैंने बोया है तुम्हें, तुम्हारे बचपन को मैंने सींचा है, मैंने बोया है तुम्हें, तुम्हारे बचपन को मैंने सींचा है, अब तुम्हारी अति सुंदर लताओं ने मेरा आलिंगन किया है। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है। निशा को तुमने, निशा मतलब रात, निशा को तुमने बहुत सुंदर उपहार दिया है, अपनी खुशबू से मेरे घर के हर कोने को गुलजार किया है, अपनी खुशबू से मेरे घर के हर कोने को गुलजार किया है। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है, कैसे बताऊं तुम्हारी खुशबू का कितना इंतजार किया है। तुम कभी मेरी नजरों में, कभी मेरी बेटी के कैमरे में, तुम कभी मेरी नजरों में, कभी मेरी बेटी के कैमरे में, तुम्हारी बढ़ती सुंदरता को हमने बहुत सहेज के रखा है, तुम्हारी बढ़ती सुंदरता को हमने बहुत सहेज के रखा है। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है। तुम यूं ही मेरे घर आंगन अपनी छटा बिखेरना, तुम्हारे फूल पत्तों खुशबू सबको मैंने आत्मसात कर लिया है, तुम यूं ही मेरे घर आंगन अपनी छटा बिखेरना, तुम्हारे फूल पत्तों खुशबू सबको मैंने आत्मसात कर लिया है। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है, कैसे बताऊं तुम्हारी खुशबू का मैंने कितना इंतजार किया है। ओ मेरी मधुमालती, तुम्हें मैंने कितना प्यार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और खास लेकर। अलविदा। आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। उम्मीद करती हूं आपको मेरा लिखना और मुझे सुनना पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर भेजते रहिएगा। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी कविता, ओ मेरी मधुमा।